अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हम फिर से एक बार मौजूद हैं सिवान के RJD नेता और रघुनाथपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हामिद राजा उर्फ डब्लू खान के पास। डब्लू खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कर रहे हैं लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन की के परिवार के लोग, उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे ओसामा का क्या प्लान है आने वाले वक्त में, क्योंकि लोग अभी भी यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लोग, क्या पार्टी की बदलाव होगी या फिर वो RJD में बने रहेंगे, और किस तरीके से प्लानिंग है सिवान को जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने देखा था, क्या उस सपने को किस तरीके से साकार करेंगे उनके बेटे ओसामा। और इसी को लेकर डब्लू जी से हम बात करेंगे। डब्लू जी, क्या चल रहा है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार 40वां बीत गया, हुआ था कि ओसामा साहब आएंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, बात सिर्फ 40वां की नहीं थी, बात ये थी कि हेना मैडम अभी इज्जत में है, जब इज्जत ख़त्म होगा उनसे बातें होंगी, वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगी, माँ बेटे का बात होगा, उसके बाद कोई ना कोई निर्णय हम लोग ज़रूर लेंगे। और ये वक्त बताएगा कि इस पार्टी में हम लोग या वो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वक्त बताएगा। इज्जत अभी ख़त्म होने दीजिए, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, उसके बाद सारी बातें साफ़ हो जाएंगी, कहीं कुछ किसी से छिपा ढका नहीं रह जाएगा, सारी बातें साफ होंगी, सारे लोग कुछ प्लानिंग जैसे कि बनी हुई है। आप लोगों के समर्थकों से ही पता चल रहा है कि जिस तरीके से साहब ने एक सोच रखी थी उस समय, और जिस तरीके से डॉक्टर का देखा गया था कि 50 रुपये फी थी, उसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि 100 बेड का एक अस्पताल बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, हर विधानसभा में आपको कुछ उस तरीके के वहाँ पर भी कुछ बनाए जाएंगे अस्पताल, छोटे छोटे अस्पताल जहाँ पर गरीब टाइप के लोग जो हैं, असहाय हैं, जिनके पास पैसे की किल्लत है और उसके अभाव में मरीज की मौत हो जाती है, वो लोग जाकर के इलाज कराएंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, अगर मरहूम हमारे नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की ऐसी सोच थी, और ओसामा को ये अगर मालूम है कि स्मार्ट सिटी बनाने का सोच मेरे पिता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को थी, या मेडिकल के अभाव में जो गरीब गुरबा लोग इलाज नहीं करा पाते हैं या मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में भी हमको आगे बढ़कर हिस्सा लेना है और काम करना है। तो एक बात आपको पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि यह परिवार जवान का पक्का, हाँ बिल्कुल पक्का लोग हैं। अगर जुबान से जो ये लोग कह देंगे या शहाबुद्दीन साहब ने जो सोचा था, मुझे पूरा उम्मीद है कि हेना साहब, ओसामा साहब ये काम जरूर करेंगे, सहयोगी के रूप में हम लोग रहेंगे, सिवान की जनता रहेगी, जो भी उनको चाहने जानने मानने वाले लोग हैं सारे लोग रहेंगे, और उनके सपनों का साकार हेना साहब और ओसामा साहब जरूर करेंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या सिवान को स्मार्ट सिटी बनाने का मामला हो, कहीं ये लोग पीछे नहीं रहेंगे। मुझे पता है, पता इसलिए है कि ये यह परिवार ना कुर्सी का भूखा है, ना लालची है, ना पैसा का, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि आप जानते हैं सिवान में बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, राजनीति कर रहे हैं, MP साहब को MLA होने से पहले आप खुद पता करेंगे कि MP साहब के बाप दादा का कितना ज़मीन प्रतापपुर में था, आज भी कितना है, ये लोग, इन लोगों के पास ऊपर वाले ने किसी चीज़ का कमी नहीं दिया है। तो यह लोग हमेशा अपने लोगों के बारे में, अपने ज़िला के बारे में, अपने बिहार के बारे में ये लोग सोचते रहते हैं। शहाबुद्दीन साहब की सोच भी यही था कि मेरा बिहार तरक्की करे। तो क्या लग रहा है डब्लू जी, क्या लग रहा है कि ओसामा साहब या फिर हिना साहब सिर्फ सिवान के लोगों के बारे में सोचेंगे या फिर अब पूरे बिहार के लोगों के बारे में सोचेंगे? आप भी जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में बहुत विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया, यानी चौतरफा विकास किया, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने अदर जिला को भी लोगों को
व्यक्तिगत चाहे जिस तरह का आपदा विपदा आया, खड़ा रहे, मदद किए, उस तरह ये लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप देखते ही होंगे कि कोरोना के डर से जो कोरोना योद्धा है लड़ रहा है, कोरोना काल में गरीबों को मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, कुछ लोग है कि भाग जा रहा है, कहीं जाके छिप जा रहा है, सिर्फ मीडिया में बयान दे रहा है। तो ये परिवार तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों से, सिवान के लोगों से कितना मोहब्बत करता है। एक चीज़ है डब्लू जी कि अगर सिवान को कुछ स्मार्ट बनाने की अगर बात होती थी, उन्होंने भी सोचा था, सपना उनका भी था, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, तो उसके लिए किसी पद पे बैठना जरूरी होता है, तो ही आप सिवान का विकास कर पाएंगे या फिर उसके उसे आप स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। अगर कोई पद पे नहीं रहेंगे तो फिर कैसे क्या होगा? देखिए, पद कोई माने नहीं रखता है। चार बार शहाबुद्दीन साहब एमपी थे, उस समय फंड भी कम था, लेकिन सिवान का जो विकास करे, सोच आपका होना चाहिए, जो सोच बड़ा होना चाहिए। इंसान अगर तय कर ले, सोच ले कि हमको ये करना है, इस कार्य को पूरा करना है, तो इन लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि विदेशों में जाकर वो चंदा करते थे, आज इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारा विदेश से चंदा करके शहाबुद्दीन साहब लाए थे, जमीन खरीदने में और कॉलेज बनाने में। मतलब बाहर के लोग कुछ फंडिंग करते थे? बिल्कुल करते थे। शहाबुद्दीन साहब मतलब ऐसे थोड़े कि चुपके चुपके जाते थे, कहते थे कि मैं जा रहा हूँ सिवान के कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए चंदा करने। और जो अपने यहाँ के लोग, बाहर के लोग चंदा देते थे कि नहीं आप सिवान आगे बढ़े, सिवान तरक्की करे, लोग खुशी से अपना देते थे। आज तक आप नहीं सुने होंगे कहीं भी कि शहाबुद्दीन साहब ने हमसे 10 रुपया मांगा, ज़बरदस्ती ये दे दो, कभी नहीं। लोग खुशी से जिस काम, अगर ये लोग भी पहल करते हैं तो पद रहे नहीं रहे, पद तो आपको पहले ही बता दिया कि इन लोगों के लिए कोई माने नहीं रखता है। अगर ये, अगर एना साहब को अगर शहाबुद्दीन साहब चाहे होते तो ये कहीं से भी इनको MLA बना देते, राज्यसभा भेज देते। एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि एक तो समय था, उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जेल में थे और हिना साहब का चुनाव लड़ने के लिए कुछ महीने बचे हुए थे, जैसे कि लोकसभा का चुनाव था। लोग कहते हैं कि इनके पास कुछ ऑफर भी आए थे, JDU में ज्वाइन कर लीजिए या फिर राज्यसभा भेजने के लिए भी कोई लेटर भी आया हुआ था। कुछ आप ही के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लेटर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम आम चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ाएंगे, हम भीतर से नहीं जाएंगे। क्या इस बातों में सच्चाई थी? देखिए, MP साहब कभी नहीं चाहे कि हम पीछे वाले दरवाजा से कोई काम करें। जो होगा हम लोग लड़ भिड़ कर जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये कुर्सी की ज़रूरत है, हमारे वर्कर भी चाह रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अगर पद रहे तो बेहतर रहे। अब इन लोगों के देखिए, इन लोगों के लिए पद कोई बड़ा बात ही नहीं है। ये लोग जिस दिन मुंह खोल दें, अगर कह दें, तो पद कोई इन लोगों के लिए माने नहीं रखता है, लेकिन ये लोग चाहेंगे तब। आज तक आप बता दीजिए कि कभी हिना साहब के मुँह से या ओसामा के मुँह से या शहाबुद्दीन साहब जब जीवित थे उनके मुँह से सुना गया है कि शहाबुद्दीन साहब के मुँह से कि मेरे पत्नी को राज्यसभा भेजा जाए? हिना साहब ने कभी कहा है कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए? ऑफर तो मिला हुआ था, ऑफर तो मिला हुआ था भाई। ऑफर तो बहुत सारे मिले, लेकिन ये लोग लालची नहीं है। अगर वर्कर हमारे चाहेंगे, अगर कहेंगे, अगर कि नहीं हम पद लेके ही काम करें, तो ये लोग इद्दत जब ख़त्म होता है तो इस पर बातें होंगी। RJD में ही रह करके पद लिया जाएगा? देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है। RJD से तो सख्त नफरत हमारे वर्करों को, हम लोगों को अभी हो गया। बिल्कुल एकदम सख्त नफरत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सारे लोग नाखुश चल रहे हैं। अब देखिए, अब इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के पास भी बहुत सारा ऑफर आया, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े, यहाँ तक कि जान भी उनका चला गया। अनेकों कुर्बानियां दिया पार्टी के लिए, पार्टी के संस्थापक लोगों में थे वो। तो अब ये लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो इन लोग से मांग है कि आप लोग पार्टी छोड़िए। अब ये लोग छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे? आ रहा सवाल कि अभी लोग जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग को जाना है। उसामा साहब के पास तो आप लगातार जाते आते भी रह रहे हैं, क्या कभी इस बारे में बात नहीं हुई कि क्या पार्टी में रहना है या फिर छोड़ देना है? देखिए ना, ओसामा साहब के पास जाना आना मेरा का लिए हैं आप,
मेरा घर है, परिवार है, जाते आते रहते हैं, लेकिन इस सब पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि वो सामा अभी तो इस मन हमको नहीं समझ में आ रहा है, इस कन्फ्यूजन में हम हैं कि वो सामा राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। सारा लोग तो समझा रहा है कि जो शहाबुद्दीन साहब का सपना था उसको पूरा करना है, तो हो सकता है कि वो सामा राजनीति में आए। अब ये सारा जो ये सब बातें चल रही हैं, अब इद्दत ख़त्म होता मतलब है कि अभी क्लियर नहीं है कि ओसामा साहब राजनीति करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे या फिर व्यवसाय करेंगे। देखिए अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग भी चाहेंगे कि जो साहब का हमारा सोच था, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, उस सोच को ओसामा पूरा करें, हम लोग ये चाहेंगे।